is a quick overview for motovlogging accessories. So this is what the setup looks like when it's ready. चाहे सनसेट बहुत जल्दी हो जाता है बट जितना होता है बहुत ही प्यारा होता है, खूबसूरती। ये मैंने कम कर रखी है, डीबी के लिए डाला हुआ है। हाँ वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, ये मैंने कम कर रखी है ताकि ओके ब्रो नमस्ते जी। अच्छा तो दिस इज प्योरली GoPro रिव्यू वीडियो। तो राइट नाउ शूटिंग इन 5.3K एट 60 फ्रेम पर सेकेंड। तो अब खुद एक बारी आइडिया ले लेना कि GoPro Hero 10 अबाउट 5 बजे विंटर सन कैसा परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा है, एक बारी सब कुछ चेक भी हो रहे हैं, गड्ढे भी आएंगे, हाइपर स्मूथ भी चेक करना। हाइपर स्मूथ इज whenever your video is shaky and you are having those rush moments, adventurous moments, some activity, so इस time पर ये सब काम आता है। तो right now you can see कैसी quality आ रही है। यहाँ पे गौतम बुद्ध statue है, बहुत ही प्यारा। ये देखो switching to 4.3K at 120 FPS. So 120 frame per second पर थोड़ा ना storage बहुत लेती है और उसमें सुपर व्यू आप नहीं चूज़ कर सकते। तो ये इस टाइम लेंस जो है वो वाइड है, इट्स नॉट सुपर व्यू। सुपर व्यू में क्या हो जाता ना, ओके लगता है स्पीड ब्रेकर हमारे हिस्से के ही थे आपको मोशन टेस्टिंग करवाने के लिए। तो सुपर व्यू में क्या हो जाता ना, प्रॉपर व्यू आता है बाइक से लेके आसमान तक, और वाइड में कहीं ना कहीं कट जाता है, ऊपर ऊपर से तो कट ही जाता है। तो व्लॉगिंग के लिए मेरे ख्याल से वाटर व्लॉगिंग के लिए वाइड भी अच्छा है, बट अगर वो बाइक भी उस हिसाब की होनी चाहिए, माउंट उस हिसाब का होना चाहिए। तो लेट्स सी, एक बार ही आप खुद देख लो कैसा व्यू आ रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है 120 फ्रेम्स पर सेकेंड पर, क्योंकि इसको जितना मैं आपको मोशन दिखाऊंगा ना उतना ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। इनसाइड LPU वर्जन भी आने वाली है वीडियो गाइस, जिसमें LPU की लेयर बाय लेयर ट्रूथ अनवील करूंगा मैं। तो वहीं की पैदाइश है, तो बैचलर्स एंड मास्टर्स बोथ फ्रॉम LPU, एंड उस पोजीशन पे आ चुके हैं कि आपको LPU की प्रॉपर ट्रूथ दिखा सकूं, और प्रॉपर अंदर लेके जाएंगे एंड कवर करेंगे जो मेजर सिनेरियोज हैं जो ऑडियंस मिस कर रही है और जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। तो वो सिर्फ आपको एक इनसाइडर ही बता सकता है, और इतने साल LPU में काट के बीच में ब्रेक लेके जॉब करके दोबारा से कंटिन्यू LPU करके आफ्टर करोना बिफोर करोना ऑल ऑफ द सिनेरियोज विल बी कवर्ड एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आई नो वीडियो इरेगुलरिटी आ रही है थोड़ी, इट्स जस्ट बिकॉज मेंटेनिंग अ फुल टाइम जॉब, हैंडलिंग होम कोर्स एंड ऑल्सो ट्राइंग टू बैलेंस पर्सनल थिंग्स गेट्स ऑन यू समटाइम्स, सो ट्राइंग टू ब्रिंग द वीडियो रेगुलरिटी। एंड नाउ कम्स द 4.3K 60 FPS सुपर व्यू। This is the angle, the view, the settings, the configuration I shoot in, and so far I found it the best. I don't know, maybe continued bloggers, famous, infamous bloggers are using maybe 1080p for the battery, I'm hoping, but I always prefer the better quality so that mera vlog ab koi bhi shuru se leke abhi tak ka
टीवी पे चला के 4K हाईएस्ट क्वालिटी चूज़ करके एक बार ही देखने की कोशिश करना, तो आपको प्रॉपर व्यू आएगा, परसेप्शन आएगी एंड इन पर्सन व्यू आएगा, गेटिंग इट। एलपीयू की बात करते करते एलपीयू आ ही गया। सी दिस इज़ द साइड यू सी व्हेन यू कम फ्रॉम फगवाड़ा, और फॉर द लॉन्ग रेंजर्स दिल्ली साइड से जब आ रहे हो तो दिस इज़ व्हाट यू विल सी। आई थिंक इट्स अ टिपिकल रश आवर। ओके सनसेट दिखाते दिखाते 5 मिनट में गायब हो गया। दिस इज हाउ क्विक द सनसेट इज इन विंटर्स। एंड ये जो आपको दिख रहा है ना कंस्ट्रक्शन साइट, एक तो जलंधर में जो भी आ रहा हो ना किसी को पता नहीं होगा, यहाँ पे अचानक से सारा ट्रैफिक 8 लेन में मर्ज हो रहा था। यहाँ पे बन रहा है जलंधर रिंग रोड जो नॉर्थ जलंधर को साउथ जलंधर से कनेक्ट करेगी, तो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। जल्दी भी शुरू हो गया, टेंडर पास हो गया, सब हो गया एंड जल्दी आपको ना बढ़िया कनेक्टिविटी दिख जाएगी। एंड द ईस्टवर्ड, यू कैन नॉट मिस द ईस्टवर्ड। मिस कर भी दी ईस्ट रोड तो हवेली पहुँच जाना। कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाना, जलंधर में आ रहे हो तो खाना पीना तो चलेगा भैया, दबा के चलेगा। अगर आप चाहते हो फूड प्लेसेस देखना जलंधर की, हिडन फूड प्लेसेस, एक पाकिस्तान के लाहौर की साइड से भी ना एक कुक बैठा हुआ है जो कि बनाता है कड़ा कतलामा, जो कि पाकिस्तानी डिश ही है, और साथ में छोले भटूरे, उसके साथ 5 तरह के अचार, सोच लो 5 तरह के। ऐसे ऐसे हिडन प्लेसेस देखना चाहते हो जलंधर के, और जो एक्चुअल फूडीज़ है ना तो उनके लिए ज़रूर मैं कवर कर सकता हूँ, तो कमेंट करके बताना ऐसा कुछ ज़रूर देखना चाहो तो कवर करेंगे आपके लिए स्पेशल।
जस्ट गुरखा हरियाणा नंबर लग रहा है। इनकी तैयारी है पहाड़ों पर जाने के लिए, कैंपिंग अनो, बट बढ़िया चीज़ है ये। चलो चलो हाईवे व्लॉगिंग, ओ हाईवे मीटिंग का टाइम हो गया है। बबुआ हाँ जी वीरे, क्या हाल चाल है भाई? बस भाई अभी तो जलंधर ही जा रहे हैं वापस, पहले पीछे जा रहे हैं। चैनल का नाम क्या? कौन से चैनल का क्या नाम? अच्छा चैनल का नाम प्रभ रोवर, प्रभ रोवर अभी नया ही शुरू किया, अभी तो चार पांच वीडियो डाली है, अभी नया ही शुरू किया। देखते हो यूट्यूब? कौन सा? यूके सेवन अनुराग हाँ बाबू भैया बच्चे ही होते हैं जो बढ़िया एकदम अप्रिशिएट करते हैं कह रहा है भैया टेपिंग कहाँ से करवाई है ये क्या है तो कुछ नहीं, थोड़ा बाइक पहचान नहीं पा रहा था वो, पर उसको पता लग गया, कहता हम बाबू भैया को देखते हैं मैंने कहा थोड़ा बाबू भैया को देखो थोड़ा हमें भी देख लेना, तो कहता हाँ खुद ही मांग रहा था यूट्यूब चैनल, कहता लगाओ लोगों को कहीं पता नहीं लग रहा कौन सा चैनल है। मैंने कहा भैया थोड़ा यूट्यूब टाइटल अर्न कर लेना तो ब्रांडिंग भी आ जाएगी, क्योंकि मैं किसी मैं ऑडियंस ऐसे ही नहीं पुल करना चाहता कि नहीं 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 आ जाओ सब्सक्राइब करो, पहले तुम सब्सक्राइब करो, मैं थोड़ा कॉन्टेंट डालकर फिर उनको लगेगा सब्सक्राइब करना तो ज़रूर करना फिर, समझ रहे हो। बाकी हमारे मैनेजर जी का फ़ोन आ चुका है, कह रहे हैं प्रभजीत जी कहाँ हो आप? मैंने कहा बस सर आ गया अभी, कैन यू ज्वाइन अ मीटिंग? कैन ज़रूर लगा देते हैं पर उनका मतलब है आ रहा नहीं आ रहा तू मीटिंग में तो बस थोड़ा कहीं अब मीटिंग कर ली जाए ज़रा, फिर ये ब्लॉग कंटिन्यू करता है। This is what a GoPro Hero 10 looks like in 2023. So guys, a quick overview for moto vlogging accessories. सबसे पहले क्या क्या लग रहा है? We start with GoPro Hero 10. Then we have Boya's lav mic. Okay. So it looks something like this. और इसमें switch भी होता है अगर आईफोन के साथ या स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, यू स्विच इट टू स्मार्टफोन एंड इफ यू आर यूजिंग इट टू कैमरा यू कैन स्विच इट टू कैमरा। ये एक छोटू सा पाउच बाय बॉयर GoPro माइक अडैप्टर, ओके ये छोटू चीज़ बट इसमें USB-C कनेक्टर है और 3.5 mm जैक, एक्शन प्रो का जे माउंट, ओके धनवार एरोनॉटिक्स हेलमेट विद इन GoPro। सो दिस इज द एरोनॉटिक्स 7 हेलमेट, कुछ ऐसा दिखता है, कमेंट में बता देना कैसा लग रहा है। सो दिस इज द एरोनॉटिक्स 7 हेलमेट, इसमें 7 इसलिए क्लेम कर रहे हैं बिकॉज दे क्लेम देर आर 7 वेंट्स, सो 7 तरीके से हवा अंदर जा सकती है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ अपनी यहाँ से खोल दी और पीछे ये एक ये और ये, तो कुल मिला के 7।
So this is what the setup looks like when it's ready. See, I know not the cleanest. I'm going to get a GoPro case, which goes mega hoga na. इसको हम उस केस में प्लेस कर देंगे और कुछ नहीं हो, ये ढक्कन वक्कन हट जाए सिंपल. तो दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक. कमेंट्स में बताना कैसा सेटअप है.